राजधानी भोपाल में कमिश्नर सिस्टम में सबसे बड़ा अभियान तब देखने को मिला था जब एक रात में पुलिस ने करीब 260 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया था। वहीं पुलिस एक ही दिन में सीएम हेल्पलाइन पर मिली करीब 150 शिकायतों का निराकरण भी किया है, जिसमें से 10 के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। DCP रियाज इकबाल का कहना है कि लंबे समय से जो शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर पेंडिंग थी, उनकी जानकारी निकालकर फरियादी और आरोपी पक्ष को बुलाकर निराकरण किया है। पुलिस की माने तो सबसे ज्यादा मामले पैसे के लेन देन और प्रॉपर्टी से संबंधित थे, जिसमें गंभीर अपराध जैसे इसमें शामिल नहीं है। के दिन में हमारे एडिशनल CP साहब ने उनके निर्देशानुसार भोपाल के सभी थानों में थाना प्रभारी जो CM हेल्पलाइन जो CM साहब के हेल्पलाइन है उसमें जो शिकायतें पेंडिंग थे Level 1 से लेके Level 4 तक की होते हैं, जिसमें बहुत पुराने शिकायत भी होता है, 100 दिन 300 दिन पुराने भी शिकायत भी होता है, तो उसको टारगेट करके सभी थाना प्रभारियों ने बहुत अच्छा काम किया है। उसके फलस्वरूप करीब 150 करीब शिकायत एक ही दिन में, ये भी शायद एक रिकॉर्ड होगा, 150 करीब शिकायत जो है एक ही दिन में संतुष्टि के फरियादी की संतुष्टि के साथ क्लोज हो गया। उसमें 10 करीब FIR भी हो गया है, बहुत सारे बाउंड ओवर की कार्रवाई हुआ है और कुछ में समझाइश दे के ही, मतलब जो पैसे के लेन देन की बात हो, वापस पैसे करा दिए, सब करके इतने अच्छे 150 करीब मामले जो है एक ही दिन में हमारे पूरे थाना प्रभारी और उनके जो बीट के जो सारे सब इंस्पेक्टर ASI साहब लोगों ने मिलकर क्लोज